हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक एटीट्यूड चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी क्या लगता है कि हमारा पीसी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, हैंग भी होना शुरू कर देता है। पुराना पीसी होते हैं। अब जैसे मेरा पीसी की आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी है मेरे पीसी की, ये 6 GB रैम है और i5 का प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहा होगा। और मेरे में हार्ड डिस्क कितनी पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क आप देखेंगे तो 320 GB की हार्ड डिस्क है। तो दोस्तों, कभी भी आपका पीसी अगर स्लो चलने लगे तो उसको आपको तेज़ कैसे करना है या फास्ट कैसे बनाना है। देखो मेरा पीसी कितना फास्ट चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना अपने पीसी के लिए, कम से कम रैम 4 GB तो हो। और आजकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं अपडेटेड, जो हार्ड डिस्क में बड़ा दिक्कत करते हैं चलने में। OS वगैरह भी अपडेटेड हो गए हैं, तो इस तरीके की एक SSD हार्ड डिस्क ला सकते हैं। 256 GB की हार्ड डिस्क है SSD, और ये हार्ड डिस्क की तरह, लैपटॉप की तरह हार्ड डिस्क की तरह होती है। ये देख लीजिए इस तरीके की हार्ड डिस्क। और इसकी MRP तो वैसे लिखी हुई है 5,999 रुपये, बट ये आपको मार्केट में 1400, 1500 या 2000 के आसपास मिल जाएगी। 5 साल की गारंटी होती है इसकी, रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। बल्कि मैं कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं SSD और अपने PC में लगा लीजिए। कंपनी वादा देखो क्या करते हैं कि कम से कम 10 गुना फास्ट है। 3 साल की इसकी गारंटी है और जो फास्ट है ये 10 गुना फास्ट होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 10 गुना तो नहीं मानूंगा, बट हाँ ये 5, 6, 7, 8 गुना तो पक्का कंफर्म है, क्योंकि जिस हिसाब से PC की स्पीड बढ़ जाती है। तो अब तो आने वाले समय में देख लेना कि ये हार्ड डिस्क बंद ही हो जाएंगी, SSD ही चलेंगी फिर। और बहुत फास्ट चलती है, आप देख रहे हो उसमें लिखा हुआ 10 गुना फास्टर देन हार्ड डिस्क। और इसमें सच्चाई भी है कि PC काफ़ी तेज़ी से काम करता है। आप अगर अपने PC के अंदर हार्ड डिस्क लगा लेंगे SSD वाली तो काफ़ी फ़ायदा होगा। 1500-2000 रुपये की बात है, मगर आपको PC बदलने की ज़रूरत नहीं है। डुअल कोर हो गया, i3 हो गया प्रोसेसर, तो इनमें कामयाब है। बल्कि डुअल कोर में ना लगाएं, i3 अगर किसी का PC है तो PC को ना बदल कर आप 1400-1500 रुपये इसमें डाल लीजिए।